हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले, देखिए आज के दिन तो मार्केट में गिरावट ही थी, बट अगर यहाँ पे गिरावट भी नहीं होती तो एक ऐसा स्टॉक था जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चर्चे में हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि इस स्टॉक में जो गिरावट है लगभग हम लोग को 11% से भी ज़्यादा देखने को मिली थी, एंड उस गिरावट के पीछे की वजह थी किसी की गलती। यस दोस्तों, स्टॉक मार्केट में यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। पहले जो डेटा सामने आया वो बाद में, मतलब वो डेटा जो सामने है उसके बदौलत बहुत सारे लोगों ने वो शेयर्स को खरीद लिया, एंड बाद में समझ में आया कि ये डेटा गलत है, उसको रिफ्रेश किया गया, अपडेट किया गया, तो वापस यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उस डेटा को देख के खरीदने वाले जो लोग थे उन्होंने वापस पैसा निकाल लिया। सो फुल ड्रामा टाइप हम लोगों को चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली, बट जैसे मैंने आपको बताया आज के दिन तो मार्केट मतलब गिरावट वाले माहौल में था, तो सब कुछ ये चीज़ें हैं, मतलब बोलते हैं ना, हम लोगों को वाइपआउट होती हुई देखने को मिली। सो डेफिनेटली अगर आज मार्केट भी नॉर्मल रेंज में होता सो आज इस स्टॉक की चर्चाएं सबसे ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिल सकती थी, क्योंकि जब यहाँ पे चेंजेस किए गए स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी आ गई, एंड स्टॉक आज निफ्टी 50 में टॉप गेनर बन गया। देन जैसे रिवाइज हो गया सब कुछ समझ में आ गया कि ऐसा नहीं है, स्टॉक नीचे गिर गया, एंड टॉप लूजर के भी इसमें वो आ गया। सो हम लोग कह सकते हैं कि कितना बड़ा हम लोग को यहाँ पे उठक पैठक यहाँ पे देखने को मिला। बाद में थोड़ी सी रिकवरी हो गई, बट हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें, मतलब किसी की गलती के कारण स्टॉक क्रैश हो जाना, गिरावट में आ जाना, मतलब आप कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट, जो मैं हमेशा बताता हूँ ना दोस्तों, कि अगर आप सोच के समझोगे कि रिस्क फ्री है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप रिस्क को कम कर सकते हो, बट इस तरीके की हरकतें भी मार्केट में होती है। सो एग्जैक्टली कौन से स्टॉक के साथ हुआ है, एंड ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके पहले भी ऐसी चीज़ें किसी और भी स्टॉक के साथ हो चुकी थी, सो उसी के बारे में हम लोग डिटेल में इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, यहाँ पे आप लोगों ने रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर जो लेटेस्ट वीडियो ज़रूर देखा होगा, बहुत ही एक बड़ा झटका हम लोगों को क्लियर कट रिलायंस इंडस्ट्री फ्यूचर रिटेल के ऊपर यहाँ पे लगते हुए देखने को मिल रहा है। सो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड और भी दो वीडियोज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे रेडी है, आप चाहो तो उनको भी फॉलो कर सकते हो। चल, मैं फर्स्ट टाइम है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना, एंड आप चाहते हो तो स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, ये गलती किसके थ्रू हो गई, यहाँ पे डिपॉजिटरी के थ्रू, या फिर आप कह सकते हो NSDL। यस दोस्तों, NSDL में यहाँ पे हम लोगों को शुरुआत में क्या देखने को मिला कि जो स्टॉक के जो लिमिट्स रहते हैं, FPIs की अगर हम लोग बात करें, अपडेट्स की अगर हम लोग बात करें, FPI जो लिमिट था फॉर द कंपनी, जो पर्टिकुलर स्टॉक की हम लोग यहाँ पे बात करें, हम लोग L&T की बात करें, लार्सन एंड टुब्रो की। सो L&T के जो स्टॉक था उसका जो लिमिट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया गया, मतलब 49% यहाँ पे होना चाहिए, बट यहाँ पे जो FPI का लिमिट है कंपनी का 74% तक NSDL ने यहाँ पे दिखा दिया। सो जैसे ये न्यूज़ यहाँ पे सामने आ गई, मतलब 49-74 अगर हो गया तो एक प्रतीत हो जाता है कि फॉरेन इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा खासा मौका है यहाँ पे, एंड इसलिए बहुत सारे लोगों ने जंप के यहाँ पे खरीदारी की। एंड उसी शेयर की अगर हम लोग बात करें तो 4% इंट्राडे में हम लोग को 21 दिसंबर को ये स्टॉक यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिला, एंड वो भी कैसे टॉप गेनर में आते हुए यहाँ पे देखने को मिला। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये जो सारी चीज़ें थी यहाँ पे हम लोग को मिस्टेक की तौर से यहाँ पे देखने को मिली, एंड इसीलिए जो स्टॉक यहाँ पे पहले 4% तेज़ी में था उसमें हम लोग को बड़ी गिरावट देखने को मिली, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाना ज़रूर चाहूँगा। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लार्सन एंड टुब्रो का जो स्टॉक है आज के दिन, आप लोगों को मतलब जैसे मैं बोलता हूँ कि मार्केट अगर आप लोग एंड में देखोगे तो ऐसा लगेगा ठीक है 3%, 3.5% गिरा, इसमें कोई बड़ी बात है, पूरा मार्केट ही तो डाउन है, बट दोस्तों ऐसी बात नहीं। अगर आप लोग शुरुआत देखोगे तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग थी, ये देखिए 4.50% आपको देख रहे हैं, ज़बरदस्त यहाँ पे शुरुआत थी, 10:40 तक स्टॉक यहाँ पे टॉप गेनर में यहाँ पे आ चुका था। देन जैसे ये न्यूज़ सामने आ गई तो गिरावट तो थी मतलब मार्केट में, बट ये गिरावट और भी गहरी हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूज़ थी वो भी हम लोग को देखने को मिली, एंड लगभग स्टॉक 11-11.5% तक क्रैश हुआ था। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं L&T जैसा स्टॉक दोस्तों इतना क्रैश नहीं होता है, मतलब बिना वजह, राइट। सो ज़रूर हम लोग को ये इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली उसमें हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो गलतियाँ देखने को मिली मिस्टेक की वजह से सारी चीज़ें सामने आ चुकी है, एंड इसका जो भुगतान है वो L&T के जो आज के दिन के ट्रेडर थे, देखा जाए तो इन्वेस्टर को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट ट्रेडर जो फटाफट कोई भी डिसीजन लेते हैं उनको यहाँ पे बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर ये भुगतान करते हुए देखने को हम लोगों को यहाँ पे मिला है। सो बाद में हम लोग कह सकते हैं कि L&T में एक अच्छी खासी बाद में देखिए रिकवरी होते हुए देखने को मिली, एंड इसलिए जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे हम लोग को 3.5% के ही ऊपर सिमटता हुए देखने को मिला। बट जो चीज़ें ओवरऑल जो ड्रामा यहाँ पे चला, पहले टॉप गेनर देन टॉप लूजर, सो ये हम लोग कह सकते हैं कि बाजार में कभी भी कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। सो दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आप लोग स्टॉक मार्केट को कितना डीपली यहाँ पे फॉलो करते हो, बट मैं हर एक ऐसी चीज़ें जब होती है तो इससे रिलेटेड वीडियो बनाते ही रहता हूँ। सो इससे पहले भी ऐसी ही सेम गलती
यहाँ पे हो चुकी थी, जहाँ पे लिमिट बहुत ही ज़्यादा कर दिया था। चलो मैं आपको बताना चाहूँगा 100% तक लिमिट बढ़ाया गया था। सो वो कौन सा स्टॉक है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं समझ जाऊँगा कि वो पर्सन एटलीस्ट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ नॉलेज रखता है, एंड अगर उसको पता भी नहीं तो एटलीस्ट उसने गूगल करके इतना तो एफर्ट लिया ही होगा। तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे यहाँ पे नीचे बता सकते हो कि सेम टाइप की ऐसी गलती कौन से स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पे हो चुकी थी, जहाँ पे लिमिट 100% तक खींच लिया गया था। सर दोस्तों, अगर हम लोग बात करें लार्सन एंड टूब्रो एलएनटी की, तो फिलहाल 1223 पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फर्स्ट वेब को तो ये लगभग 1380 का है, हम लोगों को देखने को मिल रहा है, मतलब 52 एक हाई के ही करीब है। सो ऐसी गलती होना ये बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ सकती है, क्योंकि आप सभी लोग बताएं इस स्टॉक में जो रैली आती है वो बहुत ही स्लो आती है, धीमे धीमे पैसा यहाँ पे बनता है। ऑल टाइम का हाई की बात करें तो वो तो 1600 का है, बट 52 एक हाई की जो रेंज है वो 1380 के आसपास हम लोग को यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल रही है। देन उसी के साथ साथ आज के दिन की बात करें 21 दिसंबर की, सो हम लोग को ज़्यादा डिलीवरीज देखने को नहीं मिल रही, 19 से 20% तक ही डिलीवरीज यहाँ पे लार्सन एंड टूब्रो में उठाती हुई देखने को मिल रही है। दोस्तों अगेन कहना चाहूंगा, यहाँ पे जो कंपनी का नाम है आप सभी लोगों को पता है, ये जो स्क्रीन है ना वो बहुत ही शॉर्ट है, सो कभी कभी यहाँ पे चीजें ना अटक जाती, तो इसलिए मैं आपको लिख के भी बताना चाहूंगा। हम लोग यहाँ पे बात करें एलएनटी की, लार्सन एंड टूब्रो की, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ तक ही वो सीमित हो जाती है। सो कंपनी का जो डेटा है वो हम लोग को ऊपर यहाँ पे देखने को मिलता है, बट कोई बात नहीं, जो लोग जल्दी में रहते हैं उनके लिए ये सारी बातें ऐसी रहेगी कि मतलब स्कीप हो जाने वाली होगी, जिन लोगों ने प्रॉपरली देखा है उनके लिए पता चल चुका है हम लोग कौन से स्टॉक के बारे में बात यहाँ पे कर रहे हैं। सो दोस्तों इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये सारा डेटा आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट अगर आप लोग आखिर में देखते तो ऐसा लगेगा कि 50 स्टॉक्स डाउन थे, एंड अगर आप लोग यहाँ पे जाओगे भी मतलब टॉप लूज़र में, तो आप लोगों को किधर भी यहाँ पे एलएनटी का नाम देखने को नहीं मिलता है। सो इसीलिए आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो कि यूजुअली ऐसे क्रैश में हम लोगों को क्या होती है देखने को मिलती है, वाइपआउट होते हुए देखने को मिलती है, छुप जाती है किधर, तो हिडन रह जाती है। सो ज़रूर ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो दोस्तों अगर हम लोग वापस यहाँ पे आ चुके हैं एलएनटी के ऊपर, एंड आप लोगों का सवाल यही रहेगा तो क्या इसका अर्थ ये है कि एलएनटी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा नेगेटिवली, तो दोस्तों ऐसा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मतलब बोलते हैं ना टेक्निकल्स एरर इससे पहले भी बहुत बार हो चुके हैं, इससे कोई स्टॉक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, उस आज के एक दिन के लिए जो ट्रेडर्स रहेंगे उनको अच्छा खासा नुकसान हुआ होगा, क्योंकि देखिए किसी ने तो पोजिशंस बनाई होंगी कि 49 to 70% से भी ज़्यादा का एफपीआई का लिमिट अपडेट कर दिए, सो ऑब्वियसली तेज़ी की पूरी पूरी चांसेस है, एंड इसीलिए तो वो टॉप गेनर बना। बट जैसे ही चीज़ें एक्चुअल में समझ में आ गई कि ये गलती है, सो वैसे ही हम लोगों को सारी चीज़ें गिरावट में देखने को मिली। सो इससे हम लोगों को कुछ और भी सीख मिलती है कि अगर इवन दो आप यहाँ पे ट्रेड करते हो, स्टॉप लॉस आपके लिए मस्ट है, वरना एलएनटी जैसे स्टॉक में 11% की गिरावट होना, ये वही लोग इंपॉर्टेंस इसकी समझ सकते हैं जो स्टॉक मार्केट में रेगुलरली इस स्टॉक को देखते हैं। एलएनटी हो, विप्रो हो, आईटीसी हो, इन स्टॉक्स में हम लोग को ज़्यादा मूवमेंट ऐसे नॉर्मल डेज में देखने को नहीं मिलते, लो बीटा स्टॉक है हम लोग ऐसे भी यहाँ पे कह सकते हैं। सो अगर आपके पास एलएनटी का स्टॉक रहेगा तो मैं क्लियर कट कहना चाहूँगा आप लोगों ने बिल्कुल भी यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, ये एक एरर है, वो एक टेक्निकल एरर था, मैकेनिज्म का एरर था, आप लोग ऐसे भी यहाँ पे कह सकते हो। सो अगर आपके पास एलएनटी का स्टॉक रहेगा तो एज यूजुअल जो मैं बोलता हूँ कि लॉस में आप लोगों ने इसको नहीं बेचना है, एंड आप चाहो तो इसको यहाँ पे लंबी अवधि के लिए, देखिए सारे स्टॉक है लंबी अवधि के लिए, आप लोग जरूर यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हो। सो फाइनल डिसीजन एज यूजुअल मैं आप ही के ऊपर छोड़ना पसंद करूंगा। सो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि ऐसा और एक कौन सा स्टॉक था जिसमें हम लोगों को ऐसी गलतियाँ यहाँ पे देखने को मिली थी, तो मुझे भी यहाँ पे पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को ये पे रखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मार्केट में गिरावट में तो सभी की चर्चा हो रही है, बट एलएनटी में आज ये जो बड़ा ड्रामा देखने को मिला ये मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है। सो वो भी आप लोगों को यहाँ पे बाकी लोगों के द्वारा पता चल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।